अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसमें एक अल्लाह वाले ने लड़की को छिपकली बना दिया। चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे। बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था, ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहां के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फकर किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था, किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में वहाँ के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिससे वह बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ही घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे, तमाम फकीर एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन मुसलमानों को वहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वह गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मानता तो उनको वह कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनकी कोई भी हाल नहीं पूछता था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हजूर में गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि ए अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद यहाँ पर बची हुई हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ पर कोई इंसान हमारा हाल चाल नहीं पूछता, ना ही दौलत है और ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी कि इस सरदार की बेटी को हरा भी दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया और वह अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल ना हुए। एक दिन कुछ यूं अजीब सा वाक्य हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़ी शान से चलता हुआ वह सफर तय कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके जो गुलाम थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की हालत देखी कि एक जहरीले सांप उनको काट कर चला गया है, तो फौरन उसे घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आस पड़ोस के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में हकीम नाकाम रह गए और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक दरवेश की आमद हुई और एक अल्लाह वाले वहाँ पर आ गए। उन्हें तो अल्लाह वाले ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किसी से मिलना है? वह अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है ना। नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ पर अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ देखा भी नहीं है। उस अल्लाह के वली ने कहा, मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। नौकर कहने लगे कि तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे, यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, पैसों की कमी कोई भी नहीं है यहाँ, वह भी उनका इलाज नहीं कर पाए, तो हमारे सरदार को तुम जैसे गरीब और एक लाचार इंसान उनका इलाज करेगा? दरवेश ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे आने दो। वो गुलाम कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी को कहा कि बाहर एक आदमी आया है और हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैल रहा है उसको निकालकर फेंक दूंगा। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, उसको अंदर बुला लाओ।
जब वो अल्लाह वाला उस घर में आया तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा था, अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा था। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि यह कौन दीवाना सा आदमी था जो कमरे में इस तरह से चला आया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर उसने थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था। उसको कोई भी गिरफ्तार ना कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ करो और मैं अभी उसे गिरफ्तार करवाती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम थूक कर साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वह हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया और उसकी बेटी कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उस थूके हुए जगह को इस तरह से मल रहे हैं? हकीम ने अपने हाथों के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग काटने के काबिल थी वह टांग पहले वाली हालत में आ गई। जो टांग पूरी नीली हो चुकी थी वह अब असल रंग में आ गई थी। और जब वह कबीले का सरदार होश में आया तो वह हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा की थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, अरे भाई, वह तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ, उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसका एहसान जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से अल्लाह वाले को देख रहे थे कि यह क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं, और हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और यह ना जाने किस तरह की सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वह कहने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। हम गुनहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से यह कीमती लिबास यानी के कपड़े और ये घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, अच्छा, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती मालूम पड़ रहा है। देखिए, मैं इस लिबास को पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, आपके घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन बहरहाल यह मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी जो कि हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है, उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। और जहाँ तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के सामने सजदा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वह आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, और इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे यह दुआ भी दी कि मेरी बहुत वालात हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप ही बताइए कि रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अरे हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अगर यह तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा।
अब जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस रब की दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं? और सिर्फ इन पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूँ। अल्लाह की मदद से यह कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे, तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर तुम्हें अजमाया, तुमको हर तरह से जांच कर लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं, और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहीं खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, जरा यह मुझे बनाकर दिखाए। इससे पहले कि वह गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, उसी वक्त अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वह उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई, और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो इतनी बड़ी छिपकली थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान थे उन सब में उसका कद सबसे ऊंचा था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और उन पर अपना जहर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया, और थूकने की देर ही थी कि वह जलने लगी। वह थूक क्या था? वह तेजाब था। उसका आधा चेहरा पिघल रहा था, उसका चेहरा जलकर काला हो गया था, और वह मरने वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके कदमों में गिर गया, और उसने माफ़ी मांगी और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमज़ोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच में कहता हूँ कि मैं यहाँ जितने भी लोग मजदूर हैं, यह पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपनी दीन में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे दीन में जबर नहीं है, जुल्म नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूँगा। वह सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया, अब आइंदा से ये कोई काला जादू कोई अमल नहीं करेगी, और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दीजिए। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वह इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझा था। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वह कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ, और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया, और फिर सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी करवा दी, और उस बस्ती में अमनो अमान कायम हो गया। तो दोस्तों, आज के वाक्य के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।